अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था जनवरी में, मेरा इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है हेल्दी कुकिंग। तो हेल्दी कुकिंग के साथ साथ इंग्रेडिएंट्स भी मैटर करते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपीज शेयर करना चाहती हूँ जिसके साथ आप अपने बच्चों के या अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर सकते हैं। ये बहुत ही फुलफ़िलिंग एंड हेल्दी रेसिपीज़ हैं, एस्पेशली बढ़ते बच्चों की बढ़ती रिक्वायरमेंट्स, मैग्नीशियम, प्रोटीन एंड कैल्शियम, इन सब को आप देख मीट कर सकते हैं इन रेसिपीज से। तो मेरी फर्स्ट रेसिपी है रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। इसके लिए मैं आयरन कढ़ाई में यहाँ पे क्यूमिन सीड एक चम्मच, ब्लैक पेपर सीड और ज़रा सी अजवाइन डालकर रोस्ट कर लूँगी। मैं आयरन कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए हेल्प करता है आयरन कंटेंट अब्जॉर्ब करने के लिए खाने में से। तो ये अच्छे से रोस्ट हो गया, अब हम इसे लाइटली क्रश कर लेंगे। एक मॉर्टल पिस्टल का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, एंड इसे लाइटली क्रश करके पाउडर को रेडी कर लेंगे। ये पाउडर में क्यूमिन है, अजवाइन है, तो ये बहुत ही हेल्प करता है, मदद करता है बच्चों को डाइजेशन के लिए एंड सारे मिनरल्स और न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करने के लिए ड्राई फ्रूट्स में से। तो मैंने वही आयरन कढ़ाई में यहाँ पे घी गर्म कर लिया एंड एक चम्मच घी में मैंने यहाँ पे 1 कप बादाम, 1 कप काजू और 1 कप मुनक्खा या फिर रेजिन्स डाल दूँगी। आप अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जब भी आप रोस्ट करेंगे ड्राई फ्रूट्स, उसे घी में रोस्ट करें ताकि जो है ड्राई फ्रूट्स इजी टू डाइजेस्ट और बहुत ही न्यूट्रिशियस बन जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से रोस्ट करें, मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट करें ताकि ये जले नहीं, और तब तक रोस्ट करें जब तक कि ये बहुत ही ईजिली आप इसे बाइट कर सकते हैं। इसका टेक्स्चर चेंज हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। तो देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं, कितने प्रिटी लगते हैं। मेरे बच्चे जो है नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, उन्हें वो बहुत बोरिंग लगता है, बट जब भी मैं इस तरीके का रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स दूँ उन्हें तो वो बहुत मज़े से खाते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्नैकिंग ऑप्शन भी हो जाता है। क्विक ब्रेकफास्ट के लिए आप ये ड्राई फ्रूट्स खिलाकर, दूध पिलाकर बच्चों को स्कूल को भेज सकते हैं या फिर स्नैक ऑप्शन के लिए दे सकते हैं। तो इस तरीके का मैंने ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लिया। अब हम इसमें डाल लेंगे स्पाइस मिक्स एंड 1 चम्मच नमक। इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लें, कंबाइन कर लें, ऐसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसे एयर टाइट बॉक्स में स्टोर कर लें एंड ये कन्वीनियंट स्नैकिंग ऑप्शन के साथ साथ आपके सारे न्यूट्रिशंस और मिनरल्स और विटामिंस की साहिब सभी कमी के बॉडी में कमी को पूरा कर देता है। तो मेरी नेक्स्ट रेसिपी है ब्लैक चना पुलाव। जैसे कि हम सब जानते हैं चना बहुत ही अच्छे प्रोटीन का सोर्स होता है एंड रोज़ आपको कोशिश करनी है कि एक तरीके का प्रोटीन सोर्स आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है। तो ये रेसिपी कुछ 1 पॉट मील है एंड कम्प्लीटली न्यूट्रिशियस मील है। यहाँ पे मैंने पैन में 4 चम्मच तेल डाल लिया, इसमें बे लीफ, 1 चम्मच ब्लैक पेपर सीड, 1 चम्मच क्यूमिन सीड डालकर इसे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। जब ये रोस्ट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ प्याज जिसे मैंने बारीक फाइनली चॉप कर लिया है, और इसी के साथ मैंने 2 हरी मिर्ची भी डाल ली थी इसमें। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे तब तक जब तक कि प्याज का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। जब ये चेंज हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। अदरक लहसुन जब भी आप पुलाव बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में डालें, आपके पुलाव बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत टेस्टी बनेंगे। तो ये अदरक लहसुन अच्छे से मिक्स हो गया, अब हम इसमें डाल लेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे मैंने टमाटर जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। इसे डाल के तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। मैंने ऑलरेडी जो है काले चने को ओवरनाइट सोक करके इसे 2 विजिल आने तक पका लिया था। अब हम काले चना भी डाल लेंगे टमाटर में डाल के, इसे अच्छे से मिक्स करके कंबाइन करना है। तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इनमें से तेल ना छूट जाए। तो ये 1 पॉट मील है, बहुत न्यूट्रिशियस एंड कंप्लीट मील हो जाती है। अगर आप इसे रायते के साथ सर्व करें और सलाद बनाकर सर्व करें तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है। प्रोटीन से भरा हुआ, मिनरल से, विटामिन से भरा हुआ, मैग्नीशियम से भरा हुआ मील है। देखिए इस तरीके का तेल छूट गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 मैगी चिकन क्यूब। जब भी मैं बच्चों के लिए पुलाव बनाती हूँ या फिर घी राइस या कोई भी इस तरीके की राइस डिश बनाती हूँ तो मैं इस तरीके का एक राइस चिकन क्यूब मिलता है, आराम से आपको सुपरमार्केट में मिल जाएगा, ये डाल देती हूँ ताकि ये तो एक तो मील बहुत न्यूट्रिशियस हो जाती है एंड प्लस बहुत ही एक अलग सा टेस्ट आता है इसमें, एक सॉल्टी माइल्ड ब्यूटिफुल टेस्ट आता है। तो बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं।
मैंने ऑलरेडी एक चम्मच बासमती राइस, एक कप बासमती राइस को वॉश करके सोक कर दिया था, तो मैं यहाँ पे 2 कप पानी डाल दूँगी, डाल के इसे बॉईल कर लूँगी पानी को। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, बट क्योंकि चिकन क्यूब ऑलरेडी सॉल्टी होता है तो आप ज़रा देख कर नमक डालें टेस्ट के हिसाब से। एंड पानी अच्छे से बॉईल हो गया तब हम इसमें सोक किया हुआ बासमती राइस डालेंगे। पुलाव अगर आप बासमती राइस में बनाएं ना तभी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं इसे ढक दूंगी और अच्छे से बॉईल आने तक वेट करूंगी। जब ये बॉईल हो जाए तो इसे लाइट हाथों से मिक्स करके तब तक वेट करना है जब तक ये 90% कुक ना हो जाए। देखिए 90% कुक हो गया है, अब हम इसे ढक कर बहुत ही कम आँच पर दम पर पकाएँगे 10 से 15 मिनट तक। तो ये दम हो गया है, 10 से 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि चावल कितना ब्यूटीफुल लग रहा है एंड इसका टेक्सचर कितना प्यारा है। तो देखिए रेडी है हमारी न्यूट्रिशियस 1 pot meal जो कि प्रोटीन से भरी हुई है, हेल्दी है एंड बहुत ही परफेक्ट स्नैक टिफ़िन ऑप्शन या डिनर ऑप्शन बनता है बच्चों के लिए। इसे आप बॉयल्ड एग के साथ, सलाद के साथ एंड रायता के साथ सर्व करें तो एक कंप्लीट न्यूट्रिशियस मील हो जाती है। तो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर थम्स अप दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। बाय गाइस, सी यू सून।